अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आइकॉन कॉलर आईडी एंड स्पैम ब्लॉक एप्लीकेशन के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें आप लोगों के सामने एप्लीकेशन थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगी, उसके बाद ओपन होके आ जाएगी। तो देखें दोस्तों, एप्लीकेशन आप लोगों के सामने ओपन होके आ चुकी है। आप देखते हैं वेलकम टू आइकॉन, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ गेट स्टार्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें दोस्तों ये एप्लीकेशन वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो देखें दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करना करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखें फ़ोन परमिशन को आप लोगों ने यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद देखें दोस्तों आइडेंटिटी कलर है, इसे भी दोस्तों आप लोगों ने परमिशन दे देनी है। देखें दोस्तों सबसे पहले मैं इसे परमिशन दे देता हूँ। देखें इसे भी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर परमिशन दे देनी है। देखें दोस्तों यहाँ पे ऐसे कर देना है। ये देखें आइकॉन पे होगा, पहले आपका फ़ोन पे होगा या नॉन होगा तो आप लोगों ने आइकॉन पे करके सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखें दोस्तों आप लोगों ने इसे भी इनेबल कर देना है। ये देखें यहाँ से मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें दोस्तों आप लोगों के सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपके नंबर आ जाएंगे कि आप इसे कौन से सिम पे एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो देखें दोस्तों मैं इसे अपने इस मीन्स के नंबर पे करना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखें आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेटिंग दिस नंबर हो रहा है। तो देखें आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद देखें दोस्तों ये मेरे सामने कॉल आ चुकी है, तो देख सकते हैं। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद देखें दोस्तों यहाँ से मैं इसे दोबारा क्लोज़ करता हूँ। तो देखें मेरा नेम आ चुका है। उसके बाद देखें दोस्तों आप लोगों ने दिस चीज़ मी वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखें दोस्तों लोडिंग फोटो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा। देखें आप लोगों ने तो यहाँ पे थोड़ी देर और वेट कर लेना है। वेट करने के बाद देखें दोस्तों आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट वाली ऑप्शन मिलती है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों हमारा जो प्रोसेसिंग है आप देख सकते हैं। प्लीज़ वेट थोड़ी देर दोस्तों, वो कह रहे हैं कि वेट कर ले। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन प्रॉपरली यहाँ पर ओपन होके आ चुकी है। तो इस तरीके के साथ देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे होम वाला, एसएमएस वाला, इसके अलावा देखें दोस्तों यहाँ पे आपको कीपैड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। देखें आपको यहाँ पे नंबर वगैरह सारा कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरीके के साथ दोस्तों आप मीन्स के इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके मदद से देखें दोस्तों अगर आपको कोई भी मीन्स के अननोन नंबर कॉल करता है तो उसकी मीन्स के आपको नेम भी पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसका नेम क्या है। ये बेनिफिट है इस एप्लीकेशन का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।